आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है आने वाला संकट। बहुत समय पहले की बात है, कांतिनगर राज्य में बलराम नामक हीरों का व्यापारी रहता था। हीरों तथा दूसरे रत्नों का अच्छा पारखी होने के कारण उसने अपने व्यापार में खूब तरक्की की थी। राज्य के अनेक उच्च अधिकारियों से उसकी जान पहचान थी। राजभवन में महाराजा के यहाँ उसका आना जाना था। प्रधानमंत्री तथा सेनापति भी उसके खूब परिचित थे। इन बड़े लोगों को वो अक्सर दावत पर बुलाकर अपनी दुकान के बहुमूल्य हीरे मोती दिखाता रहता था। एक बार बलराम व्यापार के सिलसिले में विदेश गया। वापसी पर बहुत से मणि माणिक्य के अलावा एक मनोहरी चमक वाला दुर्लभ कीमती हीरा लाया। इस हीरे को उसने राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति के सामने प्रदर्शित किया। परिणामतः है राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति तीनों का मन उस हीरे पर ललचा गया। राजा ने बलराम को बुलवाकर कहा, बलराम, तुम विदेश से जो कीमती हीरा लाए हो वो हमें मिलना चाहिए। बदले में हम तुम्हारा पूरे वर्ष का कर माफ कर देंगे। हमें उस हीरे से जड़ी अंगूठी चाहिए। उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री ने बलराम को अपने पास बुलाकर डराया, देखो अगर तुमको इस राज्य में ठीक ढंग से अपना व्यापार करना है तो वो दुर्लभ हीरा अंगूठी में जड़कर हमें दे दो। वो हीरा हमारे अलावा और किसी को नहीं मिलना चाहिए। ऐसी ही धमकी भरी मांग उसके सामने सेनापति ने भी रखी और कहा कि हीरा उसी को दिया जाए। व्यापारी बलराम पशोपेश में पड़ गया। उक्त तीनों में से वो किसी एक को भी नाराज नहीं कर सकता था। अतः उसने तीनों के पास अलग अलग जाकर प्रार्थना की कि वे उस दुर्लभ हीरे के स्थान पर कोई दूसरा हीरा ले लें। लेकिन तीनों ही अपनी बात पर अड़े रहे। बलराम ने राजा की मांग के बारे में प्रधानमंत्री और सेनापति को बता दिया। फिर भी वे तीनों ही दुर्लभ हीरे की मांग करते रहे और ये कहते रहे कि अगर किसी और को देना हो तो उसे नकली हीरा दे दे। बलराम असमंजस तथा भय की स्थिति में आ गया। किसी एक को असली और दूसरे को नकली हीरा देना एक नया खतरा मोल लेना था। अतः उसने हीरों के पारखी अपने एक मित्र योगेंद्र नाथ से मिलकर उसकी राय से एक युक्ति निकाली। बलराम ने अन्य हीरा जड़ी अंगूठियां बनाई और बारी बारी वो तीनों के पास पहुंच गया। पहले वो राजा के पास गया, बोला, महाराज वो दुर्लभ कीमती हीरा आपका हुआ, और हीरे की एक अंगूठी उसे थाम दी। प्रधानमंत्री और सेनापति को भी हीरा जड़ी एक एक अंगूठी थामते हुए बलराम ने कहा, श्रीमान ये दुर्लभ और कीमती हीरा आपका हुआ। अंगूठियां प्राप्त करने के बाद राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति तीनों ने ही बलराम पर संदेह किया और पूछा, कहीं तुम हमें चकमा तो नहीं दे रहे? ऐसा तो नहीं है कि तुम नकली हीरा देकर हमें संतुष्ट कर रहे हो? बलराम ने तीनों को ही विश्वास दिलाया कि मनोहारी चमक वाला असली दुर्लभ हीरा वही है। फिर भी यदि वे चाहें तो नगर के किसी दूसरे बड़े पारखी से उसकी जांच करवा लें। नगर का दूसरा बड़ा पारखी योगेंद्र नाथ ही था। उसने अलग अलग समय में तीनों अंगूठियों की परख की और तीनों को संतुष्ट कर दिया कि मनोहारी चमक वाला दुर्लभ हीरा वही है जो उनके पास है। अपना ये काम पूरा करके योगेंद्र नाथ बलराम के पास गया। उसने देखा कि बलराम अपनी दुकान और मकान का सारा सामान बांधकर कहीं और जाने की तैयारी कर रहा है। योगेंद्र नाथ ने उससे कहा, भाई अपनी योजना के अनुसार राजा, प्रधानमंत्री तथा सेनापति तीनों की अंगूठियां में जड़े हीरों की परख करके मैंने उन्हें पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है। अब तुम्हें भी अपने दिमाग से तनाव और भय को निकाल देना चाहिए। बलराम बोला, मेरे मित्र तुम सचमुच मुझे एक संकट से उबार लिया। अब मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। लेकिन बलराम ऐसा लगता है तुम तो शहरी छोड़कर कहीं और जा रहे हो। जब तुम्हारा संकट टल गया तो फिर शहर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? योगेंद्र ने पूछा। बलराम बोला, भाई मेरे असली संकट की घड़ी तो अब आने वाली है। जिस राज्य के राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति में परस्पर ऐसी होड़ और प्रतिद्वंद्विता हो, वहां किस दिन अराजकता उत्पन्न हो जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। वो दिन आने से पहले ही यहां से निकल जाना बेहतर है। इतना कहकर उसने अपने मित्र से विदा ली और वो अपने माल असबाब के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया अज्ञात नगर में बसने के लिए।